नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है IAS लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे सेंटर की UPSC और अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट करते हैं उनके लिए मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, कि जैसे उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, कि UPSC एग्जामिनेशन की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जिनको डाउट रहता है क्वालिफिकेशन को लेके कि उनमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्पेशली एज लिमिट, ग्रेजुएशन और कौन से बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज चाहिए, और साथ में अपना एकेडमी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन का क्या इम्पैक्ट होता है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं वन बाय वन आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। उससे पहले, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल के मेहमान हैं, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचते रहें, और आपको भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप YouTube वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा, और ज़रूरी होगा तो उसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चर्चा शुरू करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, यानी अपने किसी भी फील्ड से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो वो वैलिड है, और आपने ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो भी वैलिड है। ध्यान रखना है कि उनके पास जो भी UGC या AICTE की मान्यता होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप UPSC एग्ज़ाम दे सकते हैं। UPSC एग्ज़ाम में 24 सर्विस के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई एक फील्ड से ही ग्रेजुएशन चाहिए, ऐसी सेपरेट डिमांड नहीं होती है। आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है एज लिमिट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, कि जिसमें एज लिमिट रहेगी 21 साल से 32 साल, और आपके 21 साल ख़त्म हो गए हो और आप फाइनल ईयर में हो तो आप UPSC के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और UPSC एग्ज़ाम में जा सकते हैं, UPSC एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ साथ, जैसे मैंने बात किया कि आपका ग्रेजुएशन स्पेशली जिस भी सब्जेक्ट में हुआ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी फील्ड में, और आपकी स्कूलिंग 10th और 12th में, इसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए और इसका क्या इम्पैक्ट होता है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो इसके बारे में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी चर्चा मैं कर देता हूँ। अब पहले से बात शुरू करते हैं कि UPSC में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज मायने रखते नहीं है। पहले एग्जाम्पल लेते हैं टॉपर स्टूडेंट का, जो यूनिवर्सिटी टॉपर आते हैं या तो स्टेट टॉपर आते हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट UPSC एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है। हालांकि आप UPSC मेंस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाते हैं उसके आधार पे, कट ऑफ से ज़्यादा हो तो आपका इंटरव्यू होता है, और वहाँ पे भी जितने मार्क्स आते हैं उन दोनों को कंबाइन करके आपको रैंक मिलता है, और फिर जो भी सर्विसेज और कैडर मिलते होंगे वो आपको मिलेंगे। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, यानी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, यानी आपने सिर्फ कॉलेज किया है, तो उसमें आपको 40%, 50% या 60% आए, तब भी वो कोई मैटर करता नहीं है, क्योंकि UPSC में आपके स्कूलिंग के स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के ग्रेड देखे जाते नहीं है। सेम कंडीशन 10th में भी आपके अच्छे मार्क्स आए हो, 12th में भी आपके अच्छे मार्क्स आए हो, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो आप इन दोनों में से 10th में कम मार्क्स आए हो या फेल हुए हो, 12th में भी कम मार्क्स आए हो या फेल हुए हो, तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। हालांकि मैंने जैसे बताया UPSC एग्ज़ाम में आप प्रीलिम्स का कट ऑफ पास करके मेंस में और इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाते हैं वो आपको पास करवाने के लिए काफ़ी है। अभी यहाँ पे बात करते थे उन स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ UPSC सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ में उनका टारगेट RBI बैंकिंग भी है, तो उस कंडीशन में मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उपयोगी है,
वो समझ लीजिए, आप आरबीआई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के साथ साथ, जिसकी भी रिक्रूटमेंट सेंटर में आती रहती है, और उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया, यूपीएससी के लिए आपको कॉलेज के परसेंटेज या ग्रेड मायने रखते नहीं है, खाली क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन जो आपने या तो साइंस कॉमर्स या आर्ट्स किसी से भी किया हो वो वैलिड है। लेकिन जब बात आती है आरबीआई और बैंकिंग के कैटेगरी में, तो वहाँ पे भी क्वालिफिकेशन है जिसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन के परसेंटेज वाइज, और ग्रेडिंग में देखें तो पास क्लास से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, यानी 61, 62 उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, और आप स्टैंडर्ड 10 या 12th से ही प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया। आपको पता रहेगा कि यूपीएससी में जैसे परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन में किया है, तो उस कंडीशन में आपके ग्रेजुएशन में 40 या 45 या 50% ही आए हैं, तो उस कंडीशन में आप यूपीएससी के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन आप यूपीएससी के साथ साथ अगर बैंकिंग में आरबीआई की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं है, आप वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट है 60% आपके होने चाहिए। ऐसी दूसरी भी रिक्वायरमेंट है जो सेंटर की दूसरी रिक्रूटमेंट होती है, उसमें भी डिमांड करते हैं 50% या आपके 55% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो जो भी बच्चे स्टैंडर्ड 10 और 12 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कॉलेज जाते तो है लेकिन कॉलेज की प्रिपरेशन में ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने को फोकस करते हैं, तो उन बच्चों के लिए यूपीएससी तो हो सकता है, लेकिन अदर जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस कंडीशन में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अगर ग्रेजुएशन में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने ग्रेजुएशन पर भी फोकस कीजिए, जिससे आपके 60% से ज़्यादा स्कोर हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, मान लीजिए आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम के साथ साथ आरबीआई की भी रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, और आरबीआई में भी जॉब मिलना अच्छी बात ही है। तो जो भी स्टूडेंट की कंफ्यूजन थी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो कॉलेज के परसेंटेज है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, उसके ज़्यादा इम्पेक्ट रहता नहीं है। यूपीएससी में आप अपने परफॉर्मेंस से, अपने प्रिपरेशन से कितने मार्क्स स्कोर करते हो वो मैटर करता है। आप 10वीं में फेल हो, 12वीं में फेल हो, या ग्रेजुएशन में आप 50% या 40% से भी पास हो, तो यूपीएससी में इसका कोई इम्पेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसका इम्पेक्ट देखेगा नहीं। लेकिन मैंने बात कर रहा हूँ यूपीएससी के अलावा सेंट्रल रिक्रूटमेंट में आरबीआई है, बैंकिंग है, तो उस कंडीशन में आपका टारगेट वो भी है साथ साथ में, यूपीएससी के साथ साथ में, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, यूपीएससी वाली या आरबीआई वाली, तो उस कंडीशन में आपके डिमांड करते हैं 60% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो आपको एक कंबाइंड प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आपको 60% से ज़्यादा स्कोर लाने के लिए भी अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान देना होगा। अब आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से कर रहे हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें 60% आने चाहिए अगर आपका टारगेट आरबीआई या बैंकिंग है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी सेंटर रिक्रूटमेंट आती है जिसमें भी परसेंटेज डिमांड होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको परसेंटेज क्राइटेरिया मैच करना होगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अच्छे से जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे ही ग्रेजुएशन की भी प्रिपरेशन ठीक से करनी है। मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कॉलेज में आप कैसे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने ग्रेजुएशन में कैसे अच्छे से फोकस करके उसकी भी एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकते हैं, ताकि आपको ग्रेजुएशन की जो एलिजिबिलिटी है उसमें कोई डाउट ना रहे। मेरा एडवाइस रहती है या मेरा जो भी कहना है वो रहता है बैलेंस व्यू, बाकी सारे डिसीजन आपको लेने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ यूपीएससी पास करनी है तो कॉलेज के परसेंटेज मायने नहीं रखते, लेकिन आप सेंटर जॉब लेना चाहते हैं कोई भी यूपीएससी या आरबीआई की, तो परसेंटेज मायने रखते हैं। तो ये मेरा काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने मुझसे पूछा भी था और बताना भी मेरा फ़र्ज़ है, तो मैंने बता दिया। अब कैसे प्रिपरेशन करना है वो आपको देखना है, क्योंकि सभी बच्चों के पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास 25 घंटे नहीं होते। अभी आपको स्कूलिंग
और ग्रेजुएशन के टाइम पे ही कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, इसके ऑलरेडी मैंने एडवाइस वीडियो लेक्चर बनाए हैं, तो आप जाके वो देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य स्टूडेंट तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, और आप नए हैं चैनल में तो अवश्य से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। और ऐसे ही कोई भी आपके डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आईएएस लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।